कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपना समाजशास्त्र क्लास 11th का आज से आगाज हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस की वीडियो बनाकर दी थी, लेकिन आज से हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए आज से शुरुआत कर दी है हमने। तो मेरे साथ में आप लोगों को भी लगातार मेहनत करनी है और अपना जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है क्लास 11th के लिए, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ में जो मैंने आगाज करा है, तो अब इसका इंतकाम तक ले जाने का काम आप लोग करोगे, ठीक है। इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जिनके ही पास सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है, ठीक है, तो वहां तक ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा पहुंचाने का काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपना भाई शुरुआत करते हैं क्लास 11th, ठीक है, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो नंबर चैप्टर 1 है, यानी कि समाजशास्त्र एवं समाज, ठीक है। तो आखिर ये है क्या चीज, और ये हमारी कौन सी बुक है, फर्स्ट बुक जिसको कह सकते हैं हमारा समाजशास्त्र का परिचय। तो समाजशास्त्र का परिचय यही बुक है, यानी कि जो बुक नंबर 1 है, ठीक है। इसमें से जो हमारा पहला चैप्टर समाजशास्त्र एवं समाज, यही आपका आने वाला है पेपर के अंदर, ठीक है ना। इस बुक से वैसे 4 चैप्टर आएंगे और ये 4 ही चैप्टर आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, समाजशास्त्र परिचय, यानी कि ये बुक क्या कराती है आपको, इंट्रोडक्शन कराती है। किसका करा रही है इंट्रोडक्शन, समाजशास्त्र का और समाज का। इस पूरे बुक में हम यही चीज देखेंगे कि आखिर है क्या समाजशास्त्र। ऐसा नहीं है कि हम समाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जानते हैं समाज के बारे में क्योंकि हम उसी से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें समाजशास्त्र को समझना पड़ेगा। जितना आसान लग रहा है समाज को समझना, उतना आसान है नहीं, ठीक है। तो उसी की बारीकियों को हमें समझना है, ठीक है, और अपना जो समाजशास्त्र परिचय जो बुक है हमारी, उसके अंदर यही बता रखा है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तब तक हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समाज का अर्थ जानेंगे कि समाज है क्या, इसके अलावा समाज की विशेषताएं होती हैं, यानी कि एक समाज का निर्माण किस तरीके से होता है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, वो सब इसी के अंदर देखा जाएगा। फिर आता है व्यक्ति और समाज में संबंध क्या है, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही पार्ट है। मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है, कि हम मानव समाज और पशु समाज से क्या भिन्नताएं हो सकती है, क्या उनमें अंतर है, वो इसी चैप्टर में हम देखने वाले। समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं, कि समाज में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या कुरीतियां हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमें सामंजस्य देखने को मिलता है, वो सब इसी में देखेंगे। फिर आता है हमारा समाजशास्त्र का अर्थ, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, समाजशास्त्र एवं समाज, ठीक है, तो उसी के लिए तो दो पार्ट में जो हमारा है उसी चीज को समझना है। तो फिर आता है हमारा समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कैसे इसका विकास हुआ, समाजशास्त्र के प्रकार देखेंगे, भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, कि भारत तो खुद एक इतना बड़ा विविधता वाला देश है, उसके अंदर हमें समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, कि ऐसे कौन से बौद्धिक विचार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की रचना करी, ऐसे ही फिर हमारे पास में भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, और हमें यूरोप के समाजशास्त्र और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो हम इसी में देखने वाले हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और अन्य विषयों के साथ में इसका संबंध, इतिहास के साथ में इसका क्या संबंध है, मनोविज्ञान के साथ में इसका क्या संबंध है, इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान के साथ में क्या संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ में क्या संबंध है, तुलनात्मक अध्ययन, वो सब हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा नाम गोविंद शर्मा, जो आपको समाजशास्त्र पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो उसी चीज के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिए और हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि हमारा पहला टॉपिक ये क्या था, समाज, जिसको हम कह सकते हैं समाज का अर्थ। तो नॉर्मल ही अगर मैं बात करूं तो समाज है क्या, तो समाज क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है, आसपास में कौन रह रहे हैं, हमारे परिवार, ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे और आस पड़ोस,
ठीक है, और इन्हीं आस पड़ोस से फिर क्या बनता है हमारा, कहीं ना कहीं क्षेत्र बनेगा, क्षेत्र से राज्य, राज्य से देश, देशों से विश्व, ये सभी कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड तो हैं, ठीक है। और ये सब किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, व्यक्ति। आखिर किसके लिए विकास करना है हमें, व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो समाज एक बड़ा टर्म है जिसको कह सकते हैं, और उसमें केंद्र बिंदु अगर रखा जाएगा तो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति के आसपास ही सारी चीजें घूमती हुई नजर आती है। तो आखिर है क्या, तो इसमें क्या देखने को मिला, इन सबके साथ में व्यक्ति का कोई ना कोई संबंध है। तो यानी कि समाज क्या है, तो समाज लोगों में पाए गए संबंधों का जाल है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये समाज कभी दिखा आज तक, दिखा नहीं, क्योंकि ये कैसा है, संबंध अमूर्त होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं जो कहेगा जाके लो आज मैं समाज से मिलने जा रहा हूं, नहीं, समाज हमारे आसपास का ही है, चाहे हमारे स्कूल का हो, हमारे क्लास का हो, ठीक है, तो उन चीजों से रिलेटेड होता है हमारा। तो समाज क्या होता है, एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बना है, जैसा मैंने आपको ऊपर ये चीज बताई है, ठीक है। तो जितना डिटेल में बता रहा हूं उतना ही करते हुए चलना, ठीक है ना। तो वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो सभी हम कहां करते हैं, अपने समाज के अंदर ही करते हैं। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलापों में आचरण को देखा जाता है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज के अंदर। जैसे कई बार होता है, क्या कहते हैं कि हमें कौन है जो ये बता रहा है कि बेटा ये काम करना चाहिए, आपको इस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपसे बड़े हैं तो इस तरीके से आप अपना व्यवहार रखिए, ये सब क्या है, कौन सिखा रहा है इस चीज को। तो ये हमें सिखाने का काम करता है समाज, ठीक है। तो आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह, कि आखिर कैसे समाज के अंदर निर्वाह करना है, हमें कौन गाइडेंस करने का काम करता है, तो वो सब कहीं ना कहीं समाज करता है, ठीक है। जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं उसी को हम कहते हैं समाज। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी मेलजोल रखता है। तो यानी कि क्या मिलता है, इन सब में हमें कहीं ना कहीं जुड़ाव देखने को मिलता है। जैसे मैं अब नॉर्मल बात करूं, आप अपने स्कूल का ले लीजिए, ठीक है ना। तो स्कूल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो उसमें देखते हो क्लास का अपने कुछ ही दोस्त आपके होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास ही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, नहीं, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग जिन लोगों के साथ में बैठती है, आप उन्हीं के समाज में, उन्हीं के जैसे में रहना पसंद करते हैं, उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, अपनी बातें सिखाते हैं, उनसे कुछ चीजें सीखते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इसी में आता है कि आखिर समाज की विशेषताएं क्या है, क्योंकि बिना समाज की विशेषताएं जाने हम कर ही नहीं पाएंगे कि आखिर समाज का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे समाज के अंदर गतिविधियां चल रही हैं। तो सबसे पहला आता है समाज अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब है दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम छू नहीं सकते, फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज है, इसका कोई साकार रूप नहीं है कि कहीं एक जगह गए और वहां पर बोला कि हम समाज से मिलने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो समाज कैसा है, अमूर्त है, कोई उसकी मूर्ति नहीं है। समाज में समानता व भिन्नता होती है, जिसको हम कह सकते हैं समाज में हमें क्या देखने को मिलेगा, समानताएं भी हैं कि एक समाज के अंदर वैसी सारी की सारी चीजें समान होंगी, और विभिन्नताएं भी मिलेंगी, भिन्नताएं भी मिलेंगी, जिसमें क्या होता है कि एक समाज दूसरे समाज से भिन्न भी होता है, लेकिन होता है समाज ही है। समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष होता है, कि जहां पर हमें देखता है कि कहीं पर, ठीक है ना, क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करी जाती है, और लेकिन वहीं पर हमें कई बार क्या होता है, आस पड़ोस में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, संघर्ष भी देखने को मिलता है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ में टकराव भी देखने को मिलता है, और लेकिन इन दोनों के साथ ही क्या होता है, समाज निर्माण होता है। समाज में आश्रित रहने के नियम होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति कहेगा, कहते हैं कि मेरे को समाज से बिल्कुल ही कटाव रखना है, तो ये पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि समाज में एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते ही होते हैं, यानी कि एक दूसरे से काम हमें पड़ता ही है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोई समाज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, कोई समाज कम हेल्पफुल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्भरता तो रहती ही रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो जैसे कि कहते हैं कि कोई निर्भर नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो काम करोगे, ठीक है, और समाज के अंदर ही करोगे, तो एक दूसरे के ऊपर तो डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। समाज परिवर्तनशील होता है, यानी कि इसमें हमेशा चेंज आता रहता है। जैसे पहले के समाज की बात करें, ठीक है, तो उसमें लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को ही ना ही कोई भी आपके डिसीजन मेकिंग पावर होती थी, लेकिन आज तो नहीं है। समाज क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तनशील हुआ, पहले आदि मानव का काल था, आज आधुनिक मानव है। तो ये सब क्या चीज है, परिवर्तन ही तो है,
यानी कि समाज क्या होता है, परिवर्तनशील है। समाज क्षेत्रीय स्तर पर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर कह सकते हो जैसे कि हमारा कोई एक क्षेत्र है और उसके हिसाब से जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन सभी को वो क्षेत्रीय आधार पर देखा जाता है। तो ये सामाजिक जो समाज है क्षेत्रीय स्तर पर भी हमें देखने को मिलता है। थर्ड इसके बाद में जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, समाज में वृहद संस्कृतियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा विविधता है कि हर 50 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं संस्कृति चेंज, ठीक है, जिसमें कह सकते हो रीति रिवाज चेंज, खान पान चेंज, वस्त्र वेशभूषा चेंज। तो ये सब क्या है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। ये सिर्फ मैंने भारत का लिया, ऐसे पूरे विश्व का ले सकते हो एग्जाम्पल। तो उसमें देखिए ना, अलग अलग संस्कृतियां हैं हमारे, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, ब्रिटेन का कल्चर अलग है, फ्रांस का अलग है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वृहद संस्कृतियां हैं। समाज में साझा मानदंड होते हैं कि एक जैसे हमें कहीं ना कहीं क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं, मूल्य मिलते हैं और विश्वास देखने को मिलता है, और उन्हीं चीजों के ऊपर क्या होता है, लोगों का विश्वास देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समाज की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। 2 से 3 नंबर में आपका पेपर में पूछ लिया था कि समाज का अर्थ बताते हुए समाज की विशेषताएं बताइए। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो बस एक चीज लगेगी, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्यक्ति और समाज में संबंध, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा आपको बताया था कि केंद्र में कौन रहेगा, हमारा व्यक्ति रहेगा, ठीक है। तो व्यक्ति अगर केंद्र में रहेगा तो फिर उसके आसपास क्या रहेगा, समाज, चाहे वो परिवार के रूप में हो, आस पड़ोस हो, राज्य हो, क्षेत्र हो। तो इस तरीके से क्या चलेगा, हमारा समाज चलेगा। तो उसके बीच में क्या संबंध देखने को मिल रहा है, तो देखो जितना भी व्यक्ति का अस्तित्व है और विकास है वो कहां पर संभव है, समाज में ही संभव है। कोई है जो व्यक्ति, ठीक है ना, जो बिना समाज के ही अपना विकास कर ले, नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाज में ही तो उसको नौकरी मिलेगी, समाज में ही वो शिक्षा ग्रहण करेगा, समाज में ही वो आचरण ग्रहण करेगा, हर चीज कहीं ना कहीं उसको समाज ही देने का काम करेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुण से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर या उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करेगा, समाज करेगा, ठीक है। तो समाज ही बताएगा क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या नहीं है। कई बार हमें देखना आस पड़ोस में भी गाइडेंस देखने को मिल जाती है, हमारे टीचर्स भी हमें गाइडेंस देते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब क्या चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं सामाजिक विशेषता ही तो है, और जो हमारी क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं समाज के अंदर, ठीक है। तो इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक क्या रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। अपने से जो बड़े हैं उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है। तो व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती, जैसे मैंने यहां पर बताया, अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो फिर समाज कैसे बनेगा। व्यक्ति से समूह बनेगा, समूह से फिर क्या बनेगा, समाज बनेगा। तो व्यक्ति को केंद्र में रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा और ना ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व हो सकता है और ना ही व्यक्ति का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति का विकास भी जब भी संभव है जब समाज होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है तो समाज नहीं है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, निर्भर है, ठीक है। तो समाज हमारे दृष्टिकोण, विश्वास, नैतिकता, आदर्शों को आकार देता है और इस प्रकार व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आकार देता है, व्यक्तित्व विकास करता है, ठीक है ना। व्यक्ति का जो विकास है उसमें बहुत ज्यादा सहयोग करता है, क्योंकि जो भी हमारे दृष्टिकोण है, हमारी नैतिकता है, कैसा आचरण करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक मूल्यों के अंदर आता है। जीवन जीने के क्रम और समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है और वह एक पूर्ण विकसित व्यक्ति बन जाता है, यानी कि जब समाज के अंदर रहते रहते ही क्या हो जाता है कि एक इंसान अपने पूर्ण व्यक्तित्व को निखार पाता है और समाज के अंतर्गत एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको ही फैलाने का काम करता है, और फिर क्या होता है कि लोगों द्वारा उसको जो प्रेरणा मिली और फिर वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जिसने अपने आप को सर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो वही चीज यहां पर काम होती है, ठीक है ना। तो मनुष्य समाज में रहकर ही स्वयं या व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तो क्या कर रहा है, समाज में रहकर ही क्या कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व और विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमारा आता है कि मानव समाज और पशु समाज में क्या भिन्नताएं हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है, और इसको आप अपनी भाषा में भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो मानव समाज क्या है? जिसके अंतर्गत बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है। ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आज आप 11th क्लास में हो तो आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए सोच रखा होगा कि आपको क्या बनना है। ये सब क्या है? सोचने के लिए है, समझने के लिए शक्ति जो दे रखी है वो मानव के अंदर है, पशु में नहीं है। किसी पशु को बोलते हुए नहीं देखोगे, कार्टून के अलावा छोड़ देना। ठीक है, तो बोलने, सोचने, समझने की शक्ति पशुओं में नहीं होती है, और अगर किसी व्यक्ति में ये समझने की नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उस प्रक्रिया में आ चुका है। कौन सी? पशु समाज के। मानव समाज अपनी एक संस्कृति होती है। अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर बताया, तो मानव समाज क्या है? कहीं ना कहीं संस्कृतियों को ही आगे लेकर चलता रहता है, अपनी संस्कृति को विकसित करता है। लेकिन पशु समाज में संस्कृति का अभाव देखने को मिलता है, वहां पर संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, मानव समाज में व्यक्ति स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जैसे मैं आपसे कनेक्ट करने के लिए एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, आप भी मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट करोगे, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो दोगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो पा रहा है? कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पा रहे हैं भाषा के माध्यम से। लेकिन जो पशु समाज है वो अपनी भाषा को, सॉरी, अपने आप को हमसे कनेक्ट करने के लिए किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। लेकिन वो भी कौन सी एक भाषा यूज करता? मूक भाषा का, क्योंकि भाव तो उसमें भी होते हैं। ठीक है, हाँ वही बात है कि वो बोलकर प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन अलग तरीके से जरूर करेगा। ठीक है ना, तो वो चीज है, तो इसमें भाषा नहीं होती। इसके अलावा मनुष्य भविष्य की चिंता करता है। जैसे आप आज मेरे साथ में जुड़े हैं तो भविष्य की चिंता ही तो है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना है और उसमें अच्छा करना है, नहीं तो बैठे रहते आराम से। ठीक है, तो भविष्य की चिंता करता है, और आगे फिर ये चिंता रहती रहेंगी। ठीक है ना, कि आगे और भविष्य में क्या करना है, कैसे अपने आप को निखारने का काम करना है। ठीक है, उसके लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है, जैसे आज से जो 11th क्लास की शुरुआत करी है वो योजनाएं तो है कि आपको किस तरीके से आगे लेकर जाना है, तो बस साथ में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो मैं लास्ट तक आपके साथ में रहूंगा जब तक आपका पूरा एग्जाम ना करा दिया जाए। ठीक है, वर्तमान में जीता है। और जो पशु समाज होता है वो क्या करता है? वर्तमान में जीने का काम करता है। उसको कोई मतलब नहीं है हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन अपनी जिंदगी में मस्त है। ठीक है ना, ये वर्तमान में लेकर पशु समाज कार्य करता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं। कि समाज में बहुलताएं बहुत ज्यादा है और उसी के साथ में हमें असमानताएं ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एक समाज का दूसरे समाज से भिन्न होना, हमेशा ही चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे जाति आधारित हो, चाहे जनजाति आधारित हो, चाहे पुरुष समाज हो, चाहे महिला समाज हो, ठीक है, हर एक समाज में कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा? एक दूसरे समाज से भिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन पारस्परिक जुड़ाव साथ में देखने को मिलेगा। हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, लेकिन आज जिसको कह रहे हैं ना कि बहुलताएं, तो क्या हो रहा है? आज व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक समाज का नहीं रहके रह गया है। ठीक है ना, वो अपने साथ साथ क्या कर रहा है? अन्य समाजों के साथ में भी सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे बनता जा रहा है। जिसको कह सकते हैं आज जो संस्कृति हो गई है वो कैसी हो गई है? बहुसंस्कृति हो गई है, मल्टीकल्चरल जिसको कह सकते हो। ठीक है ना, आप भारत में रहकर देखना अन्य त्योहारों का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे देशों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुसंस्कृति का परिणाम है। ठीक है, दूसरे समाजों से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृतियों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो अभी मैं बताकर गया, तो क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया। इसमें कह सकते हैं कि अगर कोई एक फेस्टिवल आ रहा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इसी समाज के लोग उसको मना रहे हैं, नहीं, अब कहीं ना कहीं हर समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और चीजों को बहुत ही, जैसे कह सकते हो, अनुकूल बनाने का काम करते हैं। हमारे समाज में असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, तो ये तो हमने बहुलताएं, संस्कृति, इन सब की बात कर ली, लेकिन उसके साथ में भी हमें क्या मिलती है? असमानता भी देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ असमान व्यवहार भी देखने को मिलता है। इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति बन चुकी है। कोई नहीं कह सकता कि एक ही कल्चर चल रहा है। ठीक है ना, मिक्स कल्चर चल रहा है। ठीक है,
तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज में परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर सारे गुण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं, बहुसंस्कृति भी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता जा रहा है, बहुलवादी समाज होता जा रहा है, एक व्यक्ति आधारित समाज ना होकर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कह सकते हो समाजशास्त्र, यानी कि जो हमारा चैप्टर था समाज एवं समाजशास्त्र, उसमें मैंने आपको समाज को समझा दिया है। तो आई होप अब आपको समाज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने समाजशास्त्र। तो देखो दो शब्द हैं इसमें, समाज और शास्त्र। तो समाज क्या है, जो बताया मैंने, इसमें क्या चीज था कि कहीं ना कहीं एक से ज्यादा लोगों के साथ में हमारा जुड़ाव। और शास्त्र यानी कि कला, तो यानी कि समाज को सीखने की कला ही क्या कहलाता है, आपका समाजशास्त्र कहलाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है। जो भी हम समाज का अध्ययन करते हैं उसको भी हम समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक समाजशास्त्र कहलाता है। तो यानी कि जिसका भी हम अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के साथ में करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, हमारा समाजशास्त्र का विषय विविध है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें अपराध से लेकर धर्म तक, क्योंकि समाज का पार्ट है, तो समाज में हमें अपराधी भी देखने को मिल रहे हैं, और उससे लेकर हमारे पास में बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हो कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो सब भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। धर्म के भी बहुत सारे मतलब है, जिसमें कह सकते हैं एक ड्यूटी भी होता है, हमारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं। जैसे आपका धर्म क्या है, विद्यार्थी धर्म ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। हमारा धर्म क्या है, हमारा काम कह सकते हो धर्म है, वो यही ड्यूटी है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ा पाए, आपका विकास कर पाए, ठीक है। तो परिवार से लेकर राज्य तक, नस्ल और सामाजिक वर्ग के विभाजन से लेकर एक समान संस्कृति की साझा मान्यताओं तक, और सामाजिक स्थिरता से लेकर पूरे समाज में आमूलचूल परिवर्तन तन शामिल है। यानी कि समाज अपने आप में सब कुछ समाहित करने वाला है, ठीक है ना। उसमें हर वो चीज आती है जो कहीं ना कहीं हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, अच्छा आचरण भी है, बुरा आचरण भी है, हर चीज कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत समाहित होती है। तो आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। फिर आता है समाजशास्त्र, यानी कि इसमें मैं बात करता हूं, तो देखो इंग्लिश भाषा का शब्द है सोशोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि जो सोशियो शब्द है, ठीक है ना, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दो शब्द है, सोशियो अलग और लॉजी अलग, ठीक है। जिसमें क्या कह सकते हो, जो सोशियो शब्द है ये हमारा कौन सा है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लॉजी है वो कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज आता है कि मतलब क्या है, ठीक है ना। और इसी लॉजी को, जैसे कैसे, अगर ग्रीक वर्ड से जो निकला है वो लोगस, यानी कि लोगस से ही आपका लोजी निकला, ठीक है। तो इसमें क्या चीज कर रहे हो, तो शास्त्र का माध्यम तो मैंने आपको बताया था, अध्ययन है, विज्ञान है, ठीक है। और इसके अलावा जिसको कह सकते हो सोशियस का मतलब क्या है, ठीक है, तो सोशियस का मतलब जिसको कह सकते हो समाज। तो वही क्या निकल कर आया, समाज का अध्ययन या फिर समाज का जो शास्त्र है वही समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, जो भी हमारा समाजशास्त्र का शाब्दी करता है तो वो कहते हैं समाज का शास्त्र या अध्ययन या समाज का विज्ञान, उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, एक लैटिन वर्ड है सोशियस, और दूसरा हमारे पास में लोगस, यानी कि जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। सोशियस का मतलब समाज होता है, लोगस का मतलब जिसको कह सकते हो आप कि एक शासन शास्त्र कला वो चीज होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो मिलता है हमें, वो मिलता है हमें 19th सेंचुरी से, 19वीं शताब्दी से हमें क्या मिलता है, समाजशास्त्र का अध्ययन। और समाजशास्त्र का जो जनक है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वो हम किसको मानते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे। क्यों मानते हैं, अभी बता रहा हूं इसके लिए कारण, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था, सामाजिक भौतिक, ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन 1838 में उन्होंने इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया, समाजशास्त्र। तो इससे पहले इसका नाम क्या था, सामाजिक भौतिक, ठीक है। और 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने इसका नाम चेंज कर दिया समाजशास्त्र, तभी से हम इनको क्या कहते हैं,
फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के जनक, समाज शास्त्र के पिता। ठीक है, तो इसी कारण अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए, और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो समाजशास्त्र का उत्पत्ति होने का कारण क्या था कि जो समाज के अंदर समस्याएं थी, उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि हमें सारी समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, समूह चाहिए जो इन समस्याओं को सुलझाया जाएगा। ठीक है ना, आप जब तक अपने आप से प्रॉब्लम को सोचोगे तो शायद ना निकल पाए सॉल्यूशन, और ज्यादा परेशान हो जाए। तो उसी चीज को जब आप एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, चाहे अपने दोस्तों में शेयर करते हो, चाहे अपने टीचर से शेयर कर लेते हो, ठीक है, चाहे अपने पेरेंट्स से, तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, वो मल्टी डायमेंशनल बन जाती है, तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्किम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफी ज्यादा योगदान रहा है। यानी कि जितने भी हमारे विद्वान रहे हैं, उन सभी ने बहुत ज्यादा क्या करा है, समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। और भारत में अगर समाजशास्त्र की बात करूं तो उसका इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भारत जैसे देश जो विविधता से भरा हुआ है, ठीक है ना, अपने आप में एक बहु संस्कृति जिसमें देखने को मिलती है, तो उसमें समाजशास्त्र बहुत प्राचीन है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, औपचारिक रूप से बात करूं, तो वो क्या हुआ कि 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, और तभी से हम क्या कर दिया, समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन शुरू कर दिया। तो भारत के अंदर तो हम डेली इसको जी रहे थे, ठीक है, लेकिन 1919 से क्या करा है, हमने ऑफिशियली औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है हमारा समाजशास्त्र के प्रकार। ठीक है, तो समाजशास्त्र के प्रकार जो देखने को मिलते हैं वो हमें दो मिलते हैं, एक मिलता है व्यष्टि समाजशास्त्र और दूसरा मिलता है हमें समष्टि समाजशास्त्र। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है किसी के पास हो तो पढ़ता हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति, और समष्टि का मतलब होता है समूह। यानी कि व्यष्टि समाजशास्त्र क्या है, ये व्यक्ति आधारित है, छोटे छोटे इकाइयों के अंदर क्या करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन समष्टि में क्या होता है, इसमें समाज के बड़े इकाई का अध्ययन किया जाता है। डिफरेंस ही आता है आपसे पेपर में, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछेगा समाजशास्त्र के प्रकार के। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र व्यक्ति केंद्रित होता है, और जो समष्टि समाजशास्त्र है इसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन ना करके पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें अगर मैं नॉर्मल बताऊं, यहां पर अगर ये हमारा चुन्नू मुन्नू मान लो, ठीक है, तो व्यक्ति, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना भाई, ठीक है, तो व्यक्ति है, तो इसका अगर अध्ययन करा जाएगा तो ये व्यष्टि है। लेकिन इसी के साथ में अगर हमें पूरे समाज का अध्ययन करना है तो ये कहलाता है हमारा समष्टि। इसमें व्यक्तियों के आमने सामने की अंतःक्रिया के ऊपर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति है वो कैसे दूसरों के साथ में व्यवहार कर रहा है, ठीक है, क्या उसका कह सकते हो बोलचाल है, कैसे वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहा है, वो सब इसके अंदर आएगा आपका व्यष्टि समाजशास्त्र। लेकिन जो समष्टि समाजशास्त्र है इसमें समाज के आमने सामने की अंतःक्रिया पर जोर दिया जाता है कि एक समाज दूसरे समाज के साथ में कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना व्यवहार दर्शा रहा है, वो सब समष्टि समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा व्यष्टि समाजशास्त्र में व्यक्ति आपस में किस प्रकार से बातें करते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मैंने बताया, क्योंकि व्यष्टि समाजशास्त्र क्या है, व्यक्ति केंद्रित है, और इसमें क्या होता है, बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो समष्टि समाजशास्त्र है वो व्यक्ति आधारित ना होकर समूह आधारित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अच्छा आओ चलो तुम्हें रोशन सर से मिलाते हैं, रोशन सर आ गए हमारे बीच में, ठीक है, तो रोशन सर भी आ गए हैं। मेरे को उम्मीद है कि सोशियोलॉजी पढ़ने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, गोविंद सर जो आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं कि गोविंद सर आप लोगों को सोशियोलॉजी कैसा पढ़ा रहे हैं, समाजशास्त्र कैसा पढ़ाते हैं आप सभी को, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है मेरे को, ठीक है, चलिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो आखिर भारत में हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है,
तो मैंने जैसे बताया आपको, भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसा कोई धर्म नहीं जो भारत में रहता नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो हर एक उसमें क्या मिलती है, हमें विविधताएं देखने को मिलती है, ठीक है ना, धार्मिक आधारित, इसके अलावा जाति आधारित, सारी कहीं ना कहीं हमें विविधताएं देखने को मिलती है। भाषा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा भाषा जिसको कह सकते हो भारत के अंदर, बोलियां चेंज, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो इसलिए हमें समाजशास्त्र को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या करेगा, इन विविधताओं को ही तो कैसे सामंजस्य बनाया जाए वही बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए भारत में क्या है, जरूरत है, क्योंकि भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने का काम करा जा सकता है, तो वो समाजशास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। जो समाजशास्त्री है वो इसके लिए हमें बताएंगे कि कहते कैसे चीजें अपनाई जाए जिससे इन सबके बीच में क्या रहे, सामंजस्य रहे। तो भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी वजह से क्या होता जा रहा है, समाजशास्त्र का जो अध्ययन है, आप लोगों ने भी समाजशास्त्र लिया, ठीक है ना, तो वो इसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं हो सकता है, हो सकता है स्कूल में आपको ऐसे ही मिल गया हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आफ्टर ट्वेल्थ आप इसी को अपना मेन सब्जेक्ट बना लो, इसी में आप अपना ऑनर्स करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जब भी वो कह रहा है कि आज इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। भारत में दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है, और भारत की तुलना करी जाए दूसरे समाज से, चाहे वो दूसरा देश के अंदर जो समाज हो उससे तुलना कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें क्या मिलती है, गतिशीलता मिलती है। जैसे मान लो कि यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसी कंट्री का, जहां पर वो क्या है कि एक ही कल्चर को अपनाया जा रहा है, वहां पर एक ही समूह के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन भारत में विविधता है, ठीक है, और भारत उस के साथ में अगर तुलना करी जाए तो बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा, हमें प्रॉस्पर देखने को मिलेगा कि इतनी सारी विविधता होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता है, जो भारत की एक तरफ से कह सकते हो जान भी है इसी चीज के लिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। हमारी पहचान ही इससे है कि हमारे पास में विविधता है, कोई सामंजस्य है, यानी कि इसको कह सकते हैं हमें, ठीक है। तो भारत में विविधता होने के कारण नीतियों को सुचारू रूप से लागू करना कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए, तो वो सब काम कौन करेगा, तो वो समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता इसीलिए होती है। फिर है लास्ट पॉइंट, भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भारत में समाजशास्त्र जरूरी है, इसका अध्ययन जरूरी है, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर करना, ठीक है, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा भाई कहां पर और बेहतर काम करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा टॉपिक बौद्धिक विचार, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो मैंने आपको जिस टाइम पर अध्ययन बिंदु बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक विचार, भौतिक विचार, ठीक है ना, जिनसे क्या करेंगे, समाजशास्त्र की रचना में जो भूमिका अपनाई, ठीक है ना। तो बौद्धिक विचार की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं विचारकों की, कि विचारकों ने आखिर किस तरीके से इसको बढ़ाने का काम किया, चाहे वो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हो, ठीक है, चाहे हमारे मैक्स वेबर हो, डार्विन हो, पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना, इस तरीके से कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स, इन सब ने ही क्या करा है, समाज को बढ़ाने का काम किया। तो बौद्धिक विचार वही चीज दे रखा है, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर कार्यों ने स्पष्ट दिखाई दिया। इसके अलावा आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, यानी कि जो हमारा आज का काल चल रहा है आधुनिक काल, उससे समाज से पहले लोग क्या करते थे, शिकारी, ठीक है, होते थे, इसके अलावा टोलियां बनाते थे, संग्रहकर्ता होते थे, जो क्या करते थे, चीजों को कलेक्ट कर करके अपना जीवन यापन करते थे, चरवाहे थे, जो अपने जितने भी हमारे कैटल्स थे, चाहे वो गाय भैंस बकरी, उनको चराने का काम करते थे, एवं कृषक थे, किसान, कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं विकसित होने लग गई थी, ठीक है। तो ये तो था आधुनिक काल से पहले। अब आधुनिक समाजों के प्रकार कैसे हैं, जैसे औद्योगिकृत समाज, इसी को हम क्या बोलते थे, सरल समाज, और इसे क्या बोलते हैं हम, जटिल समाज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सरल समाज और जटिल समाज क्या है, तो यही है, तो आज का समाज तो जटिल समाज है, ठीक है। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था,
गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था, यानी कि जो पश्चिमी देश थे उनको ही, क्योंकि उन्हीं के केंद्र में सारी चीजें घूमी, तो इसी वजह से क्या हुआ, उनको ज्यादा विकसित मान लिया गया और गैर पश्चिमी देशों को अविकसित माना गया। अब इसी में हम बात करते हैं अपने एक और विचारक जो है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव छोड़ा, इसको कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान का दिया था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, कि धीरे धीरे मनुष्य का विकास कैसे हुआ, आज आधुनिक मानव है लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, कहीं ना कहीं ये वानर से बढ़ते बढ़ते यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री में था हमारा पहला चैप्टर, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया है, तो वहीं से चीजें इसके बारे में बता रखी थी। तो समाज का ही पार्ट है, तो इसी तरीके से समाज की प्राय जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे जिनकी जीवन यापन से तुलना की जा सकती थी। यानी कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है उससे तुलना करने का जो काम होता था वो कहीं ना कहीं समाज की जो जीवित जैववाद था उससे तुलना करते थे। तो वो कौन बता रहा, हमें चार्ल्स डार्विन बता रहा है। इसके अलावा समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसने प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो यानी कि लगे रहे हो, और सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्त्रीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। तो इसी तरीके से क्या बताया गया इसमें कि जो समाज है उसको व्यवस्थित करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं हमारे चाहे आसपास का परिवार हो, आस पड़ोस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, ये सभी जो कहीं ना कहीं राज्य, ये सभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आता है हमारा इसी में ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का मतलब है ज्ञान का उदय होना, यानी कि जब ज्ञान की बात हुई तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, तो हम इसमें लॉजिकली सोचने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिक यानी कि जिसके अंदर कह सकते हैं कि हमें कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है कि आखिर क्या निकल रहा है, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं सवाल पूछ लेगा ऐसा क्यों, तो इसी को बोलते हैं ज्ञानोदय, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपके अंदर ज्ञान प्रवीण होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही आप उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी, ठीक है, जिस टाइम पर ज्ञानोदय चल रहा है, और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास यह था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं के अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। यानी कि उसमें क्या बात हो रहा है कि उस टाइम पर हमारे पास में कह सकते हैं एक उन्नत अवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक जानकारी, इसके अलावा प्रकृति के साथ में कैसा सामंजस्य कर रखना है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ ही अपना सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, हर चीज हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से मिलती है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्राकृतिक विज्ञानों की जो पद्धतियां रही हैं उसके द्वारा हमें मानवीय अध्ययन करना है। क्योंकि जब स्टार्टिंग का मानव देखोगे तो वो तो पूरा का पूरा प्रकृति पर ही निर्भर था, तब कोई मैन मेड जैसी कोई चीज तो थी नहीं, तो आज तो हमारे पास में फिर भी है, तो ये सब क्या हो पाया है, कैसे हो पाया, तो प्रकृति के साथ ही हो पाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए गरीबी, जो अभी एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है कि ये तो क्या होता है, नेचुरली है इंसान गरीब, ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे जो सामाजिक समस्या के रूप में देखना अगर आरंभ हुआ है तो वो समाजशास्त्र के देन है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या प्राकृतिक रूप से है या फिर कहीं ऐसी कमियां तो नहीं हो गई हैं जिसकी वजह से ये लोग गरीब रह गए हैं, ठीक है ना। तो जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है, कहीं ऐसा तो नहीं इनका बहुत ज्यादा शोषण कर दिया गया हो जिसकी वजह से ये गरीब है, ऐसा नहीं कि ये प्राकृतिक है। तो पहले तो यही था कि यार ठीक है, कर्मों का खेल है, इसको कह सकते हो कि भगवान ने ही उनको बनाकर भेजा है गरीब, तो इस तरीके से, लेकिन आज नहीं है। तो इसके लिए गरीबों को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है कि आखिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिससे ये क्या हो सके, अपनी गरीबी से बाहर आ सके। तो ये काम कौन करता है, हमारा समाजशास्त्र करता है, ठीक है। फिर हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको कह सकते हो भौतिक मुद्दे। अभी हमने देखा वैचारिक जो मुद्दे थे, यानी कि जो वैचारिक गतिशीलता थी उसने कैसे समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया, अब आती है भौतिक मुद्दे, ठीक है, जिन्होंने समाजशास्त्र की रचना में भूमिका करी। तो जैसे औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी, ठीक है ना, जिसका मेन पर्सपेक्टिव क्या था, लाभ कमाना, ठीक है। तो एक प्रमुख शक्ति जिसमें कह सकते हो औद्योगिक उत्पादन, तो उसमें दो चीजें देखनी है कि हमारे पास में पुरानी व्यवस्था यानी कि औद्योगिकरण से पहले और नई व्यवस्था यानी कि औद्योगिकरण से पश्चात, यह है औद्योगिकरण के पश्चात, ठीक है, और ये औद्योगिकरण से पहले,
औद्योगिकरण से पहले या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, नहीं तो वो आपसे पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था से पूछेगा। तो देखो पुरानी व्यवस्था में क्या काम हो रहा था, खेती करना, कपड़े बुनना, टोकरियां बनाना, ये सब काम होते थे। और इसके अलावा वहां पर भी खेती और मजदूर होते थे जो अधिकांश मात्रा में थे। अब नई व्यवस्था में क्या हुआ, इन्हीं का स्थान मजदूर, कारीगर, कुशल अकुशल व्यक्तियों की जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यानी कि इनका स्थान इन्होंने ले लिया। इसके अलावा वहां पर खेती और मजदूर अधिकांश मात्रा में थे, यहां पर क्या हुआ, फैक्ट्री मजदूरों की मांग बढ़ने लग गई। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक समाज आया तो उसमें फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, फैक्ट्रियों के अंदर किसका काम चलेगा, खेती और मजदूर का तो काम चलेगा नहीं, वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री मजदूरों की, और वो भी कुशल और अकुशल दोनों ही हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा अपने भारतीय गांव की तरह ही वहां पर भी, वहां की बात कहां की कर रहे हैं, औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज कहां से स्टार्ट हुआ, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तभी बात कर रहे हैं कि अपने भारतीय गांव की तरह वहां भी यानी कि यूरोप में कृषक एवं भूस्वामी, लोहार, चमड़ा श्रमिक, जुलाहे, कुम्हार, चरवाहे और मध्य निर्माता थे, यानी कि मध्य जो यानी कि क्या करते थे, मिडोकर का काम, वो सब भी वहां पर भी मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा शहरों में गंदी मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए। अब फर्क क्या हुआ, यहां पर तो ये लोग थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिक समाज आया तो शहरों में क्या हुआ, पलायन हुआ। अब शहरों में पलायन हुआ तो जिसकी वजह से क्या हुआ, शहरों में रहने की दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि लोगों के पास में रहने के लिए सुविधाएं कम मिली, घर ही नहीं थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। ठीक है, स्लम एरिया में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियां ये सब कहीं ना कहीं देखने को ज्यादा मिली। ठीक है, इसके अलावा समाज जो पुरानी व्यवस्था, समाज छोटा था, स्त्रीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की प्रस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट रूप से आपकी स्पष्ट होती थी। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से आपकी क्या होती थी, स्पष्ट हो जाती थी। लेकिन यही चीज क्या हो गई आपकी, जब शहरों में आए तो यहाँ पर काम के निश्चित घंटे निर्धारित कर दिए गए कि आपको 8 घंटे काम करना है या फिर 12 घंटे करना है, उसके अनुसार ही आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। नियोक्ता और मजदूर दोनों, यानी कि जो लेबर काम कर रही है और उनके ऊपर जो भी मैनेजर है, ठीक है, जो भी चाहे एम्प्लॉयज है, वो सभी क्या हो गए, कर्मचारी ही जो दोनों थे, वो समय ही धन हो गया, यानी कि टाइम इज मनी। यहां पर नहीं था, यहां पर सुकून से जिंदगी थी, लेकिन यहां पर तो टाइम ही पैसा है, टाइम ही मनी है, सब कुछ क्या हो गया, समय ही धन हो गया, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वहां का मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सबके लिए क्या हो गया, समय ही धन बन गया। ठीक है ना, जिस तरीके से जितना ज्यादा समय काम करोगे उतना ही धन मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कह सकते हो अभी अगर 8 घंटे काम कर रहे हो और अगर आप 12 घंटे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम यानी कि पैसे मिलेंगे, तो क्या हो गया, टाइम ही तो मनी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमें यूरोप में समाज शास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए, कि आखिर हम यूरोप के ही क्यों पढ़े, अभी यूरोप पढ़ गए तो क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, तो उसके पीछे का कारण है कि समाज शास्त्र के अधिकांश मुद्दे जो सरोकार थे उस समय की बात करते हैं जब यूरोपीय समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत ही यहां से हुई। जब औद्योगिकरण की शुरुआत यहां से हुई तो इसी वजह से क्या हुआ, जब पूंजीवाद या फिर हमारा औद्योगिकरण, ये सब कहीं ना कहीं इसके कारण, जैसे मैंने अभी देखा कि भयंकर, जिसको कह सकते हो कि वहां पर रहने की समस्या, बीमारियां, ये सभी कहीं ना कहीं देखने को मिली, तो इसी के परिवर्तन जो आ रहे थे वो हमें देखने को मिल रहा था, इसीलिए हमें यूरोप को पढ़ना जरूरी है। तो बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उठते थे, जैसे नगरीकरण या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे, यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी, कि नगरीकरण और कारखाने के बनने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आई, कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड पॉल्यूशन देखने को मिला, रहने की दिक्कत आई, खाने की दिक्कत आई, ये सभी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिला। वास्तव में लेकिन भारत समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है, और भारत का मैंने आपको स्टडी बताया था, जब तुलना करी जाती है तो उसमें क्या हो रहा है, भारत में बहुत ज्यादा हमें विविधता देखने को मिलती है, भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, क्वेश्चन है, वहां से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है, जवाब में क्या मिलता है, तो इसको कह सकता है क्योंकि हमें आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि उस टाइम की हमें प्रॉब्लम जो थी वो समझ में आती है, और भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद से है, कि आखिर हमें फिर भारत में क्यों पढ़ना पड़ रहा है,
भाई यूरोप में हुआ यूरोप तक छोड़ देते, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है भारत के अंतर्गत। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि भारत पहले कहीं ना कहीं एक उपनिवेश रह चुका है ब्रिटेन का, तो वो भी कहीं ना कहीं यूरोप का पार्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ उसकी छाप हमारे ऊपर देखने को मिलती है। इसीलिए उपनिवेशवाद के इतिहास में हम गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और पश्चिम में पूंजीवादी जो है विश्वव्यापी विस्तार से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आर के लक्ष्मण है जो क्या कर रहे हैं, वैश्विक अतीत की याद दिलाता है, जिसमें कह सकते हो कि जो व्यक्ति है वो अपना ही अगर लैंग्वेज है उसको भूल जाता है, उतनी ज्यादा परंपरागत उसमें नहीं मिलती है उसको, यानी कि जिसमें वो क्या करता है दूसरे जब समाज के साथ में रहने का स्टार्टिंग कर देता है तो उससे वो हैबिचुअल हो जाता है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और उनकी जिब्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है। ठीक है ना, जबकि वो क्या था कहीं ना कहीं एक मद्रास से बिलोंग करता था। ठीक है, लेकिन वो तमिल भाषा नहीं बोल पा रहा था क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ उसको भूल गया। फिर हमारा समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। ठीक है, तो अब अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है, जैसे समाज शास्त्र अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है, चाहे वो दुकानदार हो, ग्राहक के बीच का अध्ययन हो, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बात हो, ठीक है ना, दो मित्रों के बीच की वार्ताएं हो, ठीक है, परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया, ये सभी कहीं ना कहीं हमारा समाजशास्त्र का ही पार्ट है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, जातीय संघर्ष, राज्य की नीतियां, जनजातियों, वानिकी संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं के अधिकारों की बात करना, ये सभी कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए उनका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा अन्य विषयों के साथ में, वही सब देखने, जैसे वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये सभी कहीं ना कहीं हमें इसमें अध्ययन करने को मिलेगा, क्योंकि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमें ये चीज है कि आखिर अगर नई विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कहाँ जाएगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मोबाइल्स है, गैजेट्स जिसको कह सकते हो, ठीक है ना, इसके अलावा कंप्यूटर है, ये सबका जो नौजवान है, यूथ है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें देखने को इसमें मिल रही है। इसके अलावा इस प्रकार समाजशास्त्र जो विषय है परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव क्या करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। तो यानी कि हमें इसमें क्या चीज हो रहा है, ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, हमें देखना कैसे नियंत्रित कर रहा है, कैसे निर्धारित कर रहा है, कैसे चीजों को अपने साथ में बना सकता है। जैसे मोबाइल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो मोबाइल के तरीके हैं कि आप कैसा यूज कर रहे हो, उसी को आप एजुकेशन के माध्यम से करिए अपने, जैसे आप लोग देखिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं मोबाइल के जरिए ही है। ठीक है, तो आप इसका जैसा यूज करोगे वैसे ही चीजें हैं, तो वही चीज कह रहा है कि कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, वो चीज हमें देखने को मिलती है। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए कि जो इतिहास है, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जैसे कह सकते हो फैशन, कपड़े, बाजार और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे, ये सब देखो कहीं ना कहीं इतिहास। ठीक है, आपका बाजार जिसको कह सकते हो अर्थशास्त्र, ठीक है, समाज, ये सभी कहीं ना कहीं कैसे एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, वो चीज सोचनी है। ठीक है, तो अब इसीलिए आता है हमारा समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार यहां से पूछे जाते हैं, या तो समाजशास्त्र मनोविज्ञान पूछेगा, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इतिहास, या समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या अंतर, क्या समानताएं हैं? तो समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है, और जबकि जो मनोविज्ञान है वो मानव के मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, यहां पर हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में इसमें मानव के मस्तिष्क का करते हैं। समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है। ठीक है, इसके अलावा मनोविज्ञान व्यक्तियों या छोटे समूह से संबंधित होता है, यानी कि यहां पर तो हमने देखा समाजशास्त्र के अंदर पूरे एक कम्युनिटी को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें व्यक्ति या छोटे समूह या आखिर उनके पीछे का इसका दृष्टिकोण क्या है वो मनोविज्ञान में देखते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, लेकिन मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना सकता है। समाजशास्त्र में जिसमें कह सकते हो हम अवलोकन कर सकते हैं, एक तरफ से हम इसको देख सकते हैं,
कि कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर हमें मनोविज्ञान में प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित है, लेकिन मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, लोगों का एक दूसरे के साथ में क्या आचरण है वो चीज देखना है, लेकिन यहाँ पर भाव देखना है कि एक व्यक्ति या फिर समाज वो किस तरीके से दूसरों के साथ में व्यवहार करता है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कि वो एक व्यक्ति जो भी कर रहा है उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, अगर बेकार करेगा तो उसका बेकार प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार है। मनोविज्ञान में कहते हैं कि अगर जो भी हमारे साथ में अच्छा हो रहा है तो हम जिम्मेदार, बुरा हो रहा है तो हम जिम्मेदार। ठीक है ना, इसके लिए समाज का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज कौन बात करता है, हमारा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का अंतर देखा हमने। अब इसी में आता है हमारा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र एक सामान्यकृत विज्ञान है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जिसमें आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए एक अलग विज्ञान है जिसको कह सकते हो। ठीक है ना, विशेष है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, लेकिन अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है। अर्थशास्त्र हमेशा किसकी बात करेगा, आर्थिक, आर्थिक रूप से कैसे बढ़ाया जाए समाज को। ठीक है, कैसे गतिविधियां की जाए, कैसे एक व्यक्ति का विकास किया जाए, वो आर्थिक रूप से है। लेकिन यहां पर कह सकते हो इसका दृष्टिकोण हर तरीके से सोचना है, इसको इतिहास में भी रूप से सोचना है, इसको अर्थशास्त्र के रूप से सोचना है, मनोविज्ञान के रूप से सोचना है, आपका राजनीतिक विज्ञान के सहयोग से भी सोचना है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी होती है, यानी कि ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवादी है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के विकास की बात करी जाएगी, व्यक्ति कैसे अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर सकता है। समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापने बहुत मुश्किल होते हैं, इसको हम आसानी से नहीं माप सकते क्योंकि अलग अलग समाज है, अलग अलग जो विविधताएं हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को सटीक रूप से मापा जा सकता है कि कब कितना सेंसेक्स ऊपर जाएगा, या फिर कह सकती हो कि कितने आगे, अगर इसी गति से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते तो कितने टाइम बाद हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी, ये सब इसमें आता है। तो हम इसको मात्रा में अंकित कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आता है हमारा समाजशास्त्र और इतिहास, कि समाजशास्त्र वर्तमान में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन इतिहास हमेशा पिछली घटनाओं से संबंधित रखता है, यानी कि पिछली घटनाओं में रुचि रखता है। इतिहास हमेशा पिछली घटनाओं को बताएगा कि पिछला कैसा हुआ, लेकिन समाज हमारा आज क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक और विख्यात्मक विज्ञान है, इसमें विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इतिहास एक वर्णनात्मक है, यानी कि सिर्फ वर्णन करेंगे ऐसा हुआ था। ठीक है, ये चीज हम बात करते हैं इतिहास में। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है और इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है, सेम जैसा अर्थशास्त्र था। समाजशास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू विधियों आदियों का उपयोग करता है, लेकिन इतिहास अज्ञात के बारे में जानने के लिए कालक्रम, सिक्के आदि का प्रयोग करता है। ठीक है ना, इसके अंदर पिछला क्या हुआ था, कैसे सिक्के चलाए जाते थे, क्या उनका टाइम पीरियड रहा था, इतिहास उसकी बात करता है। समाजशास्त्र द्वारा सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है, इसमें हम दोबारा पुनः परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं है। जितनी भी घटनाएं उसके लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा अपने इतिहास में जाकर और पता लगा लेंगे, ऐसा नहीं। जो हमारे पास में जितने भी एविडेंस मिल रहे हैं, जितनी भी खोज हो रही है, खुदाई हो रही है, उसमें जो मिल रहा है उसके ब्याप पर हमें मानना पड़ेगा, वो इतिहास है। ठीक है, लास्ट है हमारा समाजशास्त्र का एक विस्तृत दायरा है और समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है, क्योंकि बढ़ ही रहा है युवा। ठीक है, लेकिन इतिहास का दायरा क्या है, संकुचित है, यानी कि इसमें कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, चेंज नहीं, जो हो चुका है उसकी बात करेंगे, और इतिहास सबसे पुराना विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास और समाजशास्त्र में हमें अंतर देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, इनमें क्या संबंध देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
ठीक है, जैसा स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है। इसमें हम राज्य की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, एक राज्य के क्या कर्तव्य है और राज्य कैसे कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ सकते हैं। समाज शास्त्र दोनों से, दोनों संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का ही अध्ययन करता है। इसमें जो कह सकते हो कि गैर रूप से जो राजनीतिक नहीं है उनका अध्ययन नहीं करा जा सकता। समाज शास्त्र का व्यापक दायरा है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी बताया जैसा कि राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाएगा। समाज शास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, यानी कि क्योंकि बोला जाता है ना मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो क्योंकि समाज में रह रहा है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। इनको लगता है राजनीतिक रूप से, ठीक है ना, कि जो मनुष्य है वो क्या है, पॉलिटिकल आपका कह सकते हो कि एक एनिमल है, यानी कि पॉलिटिकल पशु के रूप में बात करता है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण समाज शास्त्रीय है, क्योंकि समाज की बात कर रहे हैं और ये वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का अनुसरण करता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की बात करता है। तो हमने चार सेक्टर, यानी कि समाज शास्त्र मनोविज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र इतिहास के साथ संबंध, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ में संबंध पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड आती है हमारी, जिसमें हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और इसके बाद से हमारा ये वाला जो चैप्टर है पूरा एक ही वीडियो में, ठीक है ना, कंप्लीट। इसके बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज की, ठीक है। तो देखते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र सॉरी राजनीतिक शास्त्र मनोविज्ञान सॉरी, ठीक है। तो देखो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसमें वर्तमान तथा तत्काल बीते हुए समय का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र क्या कर रहा है, वर्तमान का भी अध्ययन कर रहा है और जो तत्काल चीजें हो रही है उसका भी अध्ययन हो रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किससे बात करते हैं, अर्थ से रिलेटेड करते हैं, यानी कि इसको कह सकते हो पैसे, उनसे बात करते हैं। इतिहास समय का अध्ययन करता है, वो भी कौन सा समय, जो बीत गया है उसकी बात करता है। राजनीतिक शास्त्र जो यह केवल राज्य के राजनीतिक सिद्धांत तथा सरकारी प्रशासन का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान व्यक्ति की मनोदशा, यानी कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क है उसकी बात करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विशाल है, व्यापक है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। लेकिन अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करना है। इसके अलावा इतिहास का भी विषय क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसमें हमें जो पिछली चीजें हो चुकी हैं उसका अध्ययन करना है। सेम राजनीतिक विषय क्षेत्र भी क्या है, सीमित है, क्योंकि इसमें राज्य और सरकार की बात करते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान भी क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के मन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एक विशाल क्षेत्र है। इसके अलावा समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए तुलनात्मक और समाज मिति विधि प्रयोग की जाती है, लेकिन अर्थशास्त्र में हम आगमन तथा निगमन विधि प्रयोग की जाती है, जिसमें कह सकते हैं हम एग्जाम्पल्स के जरिए, प्रयोग के जरिए क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और इतिहास में हम विवरणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, विवरण ही तो दे रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक है, तभी जाकर हम इसको क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग होता है कि एक राज्य की शासन व्यवस्था दूसरे राज्य की शासन व्यवस्था के साथ में कैसा संपर्क है। इसके अध्ययन यानी कि मनोविज्ञान में गुणात्मक विधि का प्रयोग होता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़कर, ठीक है ना, एक उसकी कमियों को पता लगाया जा सकता है। और लास्ट आता है हमारा तुलनात्मक में समाजशास्त्र घटनाओं में घटित होने के कारणों को खोजने की कोशिश करता है कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से घटनाएं हुई, उसको खोजने का और उसको सॉल्यूशन भी दिया जाए। लेकिन अर्थशास्त्र दृष्टिकोण आर्थिक है तथा इसका संबंध व्यक्ति की भौतिक खुशी से होता है। भौतिक खुशी जिसमें कह सकते हो अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ठीक है, तो ये सब किसमें आती है, हमारी भौतिक खुशी की बात करते हैं। इतिहास में जो बात आती है, इतिहास पुरानी घटनाओं की जानकारी देता है, इसके अलावा उसके विकास के
अलग अलग चरणों का अध्ययन करता है, यानी कि कैसे कैसे अलग अलग स्तर रहे हैं, ठीक है, कौन सी सभ्यता पहले है, कौन सी बाद में है, इस सभ्यता से हमें क्या सीखने को मिला, वो सब इसमें बात करते हैं। राजनीतिक शास्त्र यह एक विशेष शास्त्र है, यह केवल व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक हिस्सों का अध्ययन करता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति का जिसमें कह सकते हो कि उसका राजनीतिक हिस्से क्या है, इसके अंदर इसमें बात कर सकते हो आपके वोट के राइट, इलेक्शन में खड़े होने का राइट, ये सभी कहीं ना कहीं व्यक्ति के उससे संबंधित है। मनोविज्ञान व्यक्तिगत आशाओं और भय के अध्ययन करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मनुष्य की आशाएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर उसके बीच में क्या डर है जिससे वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा। तो एटलीस्ट क्या चीज है, ये था आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, ठीक है। तो मेरी तरफ से फिलहाल चैप्टर जो नंबर वन है वो पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीट करा दे, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करा रहा है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, बस आपका काम यही है कि क्या करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कीजिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।